अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूँ, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं, एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है, पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज नहीं? हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है, LBW होता ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते तो कोई हर्ज नहीं? हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करी कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है, माशाल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशदु वासदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है, आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं जी। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सुल मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता, अल्लाह सुबहाना व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल, एवरेज आता है 50 साल 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुबहाना व ताला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से